नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटाक्ष क्राइम स्टोरी में। और आज हम बात करेंगे हरियाणा के टॉप 5 कुख्यात गैंगस्टरों की। दोस्तों, हमने यह लिस्ट बीते 2-3 सालों में हुई गैंगस्टरों की वारदातों को मद्देनजर रखते हुए बनाई है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि यहां पर क्राइम से जुड़ी कहानियां और अपडेट आती रहती हैं। तो दोस्तों, आते हैं टॉप 5 गैंगस्टर की लिस्ट पर, कि हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है गैंगस्टर काला राणा। काला राणा एक ऐसा गैंगस्टर है जो कि थाईलैंड से बैठकर लॉरेंस बिश्नोई और काला जटेडी गैंग को चलाता था। काला राणा पर केवल हरियाणा में ही 2 दर्जन से ज़्यादा केस दर्ज हैं। वीरेंद्र प्रताप और काला राणा अपना नाम बदलकर हरनम सिंह के नाम से थाईलैंड बैठकर गैंग को ऑपरेट करता था, और थाईलैंड में बैठ लॉरेंस बिश्नोई काला राणा काला जटेडी के लिए भारत में व्हाट्सएप के जरिए रंगदारी मांगने की वारदातों को अंजाम देता था। काला जठेडी के पकड़े जाने के बाद काला जठेडी का जितना भी साम्राज्य था वो काला राणा ही थाईलैंड से बैठकर संभाल रहा था, और आखिरकार 28 फरवरी को काला राणा को थाईलैंड से गिरफ्तार करके भारत लाया जाता है। हमारे इस चैनल पर काला राणा से जुड़ी सारी अपडेट आती रहती हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो हमारे लिस्ट में 4th नंबर पर आता है पपला गुजर। विक्रम और पपला गुजर की कहानियाँ हरियाणा के महेंद्रगढ़ के खरौली गाँव से शुरू होती है। विक्रम गुजर, पपला, मानसिंह, उदय सिंह, ये चारों नाम एक समय पर इनामी गैंगस्टर पपला गुजर के ही थे। पिता ने विक्रम नाम दिया था और तीनों राज्यों की पुलिस के लिए बदमाश पपला गुजर बना। फरारी के दौरान प्रेमिका जिया के लिए वह मानसिंह बन गया। पपला की गैंगस्टर बनने की कहानी किसी और की लव स्टोरी से शुरू होकर कोल्हापुर में अपनी प्रेमिका के फ्लैट पर खत्म होती है। कहा जाता है कि पपला ने हर उस शख्स का मर्डर किया था जो उसके खिलाफ बना। महेंद्रगढ़ के खरौली गांव का यह गैंगस्टर, जो कि शुरू से ही भारतीय सेना में जाने का सपना देखता था, और फिर वह बन गया अचानक से हरियाणा का सबसे बड़ा कुख्यात गैंगस्टर। सेना में जाने की तैयारी के दौरान पपला को पहलवानी का खुमार चढ़ा और वह अपने गांव के पहलवान शक्ति सिंह के पास जाकर पहलवानी सीखने लगा। शक्ति सिंह, जिसको पपला गुजर अपना गुरु मानता था, और शक्ति सिंह की हत्या का बहुत गहरा सदमा पपला को लगा, जो कि उस समय गांव के एक फौजी संदीप द्वारा करवा दी गई थी। इस हत्या से पपला पागल सा हो गया था, और कुछ समय बाद यानी साल 2014 में संदीप फौजी, उसकी मां और नाना की हत्या पपला गुजर ने कर दी। और इसके बाद पपला गुजर को साल 2016 में पकड़ लिया जाता है, पर सितंबर 2017 में पेशी पर ले जाते समय पपला पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। अब पपला पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया जाता है, और साल 2019 में एक नेता जयराम गुजर की हत्या का बदला लेने राजस्थान के अलवर जिले के बहरौड़ पहुंचा था। पुलिस को खबर लगी तो पपला को धर दबोचा, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही पपला की गैंग ने AK-47 जैसे हथियारों से लैस होकर बहरौड़ थाना पर हमला बोल दिया, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, और थोड़ी ही देर में पपला के साथ ही उसे भगाकर ले गए। इसके बाद पपला 2 साल तक गायब रहा, और फिर साल 2020 में कोल्हापुर में पपला की मुलाकात जिम ट्रेनर जिया से हुई। दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और आगे चलकर दोनों शादी की योजना बना रहे थे। लेकिन 28 जनवरी 2021 को पुलिस को इनपुट मिला और पपला महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, और फिर क्या, पुलिस ने छापा मारा, पपला के साथ जिया को गिरफ्तार कर लिया। जिया को तब पहली बार पता चला कि जिसे वह मान कहकर मान देती थी, असल में वह फरार इनामी मुजरिम है। इसके बाद 4 फरवरी को इन दोनों को कोर्ट में भेज दिया जाता है। जिया 2 महीने 4 दिन जेल में रही, और इसे निर्दोष मानकर रिहा कर दिया जाता है। फिलहाल पपला हाई सिक्योरिटी से लैस अजमेर जेल में बंद है, और पिछले साल पपला गुजर को 2014 में हुई संदीप फौजी और उसके परिवार के हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हमारी लिस्ट में 3rd नंबर पर जो आता है उसका नाम है काला जठेडी। हरियाणा के सोनीपत जिले में जठेडी गांव के निवासी काला ने पिछले करीबन 15-16 साल के दौरान जुर्म की दुनिया में तेजी से कदम बढ़ाया। हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती, जमीन पर कब्जे जैसे कामों में लिप्त काला जठेडी के गैंग में सैकड़ों की संख्या में शूटर शामिल है। हरियाणा पुलिस ने उस पर फरार और इनके बाद इनाम की जो राशि है उसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने उस पर मकोका लगा रखा है। साल 2004 में काला के खिलाफ सबसे पहले झपटमारी का केस दर्ज हुआ, और फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2020 को गुड़गांव पुलिस संदीप और काला जठेडी को फरीदाबाद कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आई थी, लेकिन 2 फरवरी 2020 को वापस ले जाने के दौरान फरीदाबाद
गुड़गांव हाईवे पर बदमाशों ने पुलिस की बस को घेरकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर काला जटी को छुड़ाकर ले गए थे। सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद काला जठेड़ी को पकड़ने का दबाव और ज़्यादा बढ़ गया। वहीं पिछले साल 30 जुलाई को सहारनपुर यमुनानगर हाईवे से काला जठेड़ी और उनकी साथी लेडी डॉन अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया गया और आज काला राणा तिहाड़ जेल में बंद है और जेल से ही बैठकर अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। और काला जठेड़ी को लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग का पूरा समर्थन प्राप्त है। वहीं काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा भी है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी। गुरुग्राम के नाहरपुर रूपा गांव का रहने वाला कौशल चौधरी आज से करीबन 2 दशक पहले अपने पिता के साथ प्लम्बरी का छोटा मोटा काम करता था। पर साल 2006 में छैलू उर्फ सुदेश के द्वारा कौशल चौधरी भाई जितेंद्र की हत्या हो जाती है, जिसके कुछ समय बाद कौशल चौधरी छैलू की हत्या कर अपने भाई की मौत का बदला लेता है। वहीं इसके 2-3 साल बाद 2009 में कौशल चौधरी छैलू की बीवी की भी हत्या कर देता है और इन हत्याकांडों के दौरान उसको सजा हो जाती है और वह जेल चला जाता है। पर साल 2015 में जब वह 6 हफ्ते के लिए पैरोल पर बाहर आया और बाहर आते ही कौशल फरार हो जाता है। फरार होने के बाद वह दुबई पहुंचता है और दुबई पहुंचने के बाद वहीं से बैठकर अपनी गैंग को ऑपरेट करता है और भारत में बड़े बड़े कारोबारियों से रंगदारी मांगता है। पर साल 2019 में गिरफ्तारी के बाद कौशल चौधरी आज तिहाड़ जेल में बंद है। गैंगस्टर कौशल चौधरी का हाथ 3 हाई प्रोफाइल मर्डर केसों में आता है, जिसमें से विकास चौधरी, संदीप नांगलम्बिया और विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या में शामिल है। कौशल चौधरी देवेंद्र बम्बिया ग्रुप के सरगना लक्की पटियाल के क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा भी है, जिनकी वारदातें आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं और नॉर्थ इंडिया में बढ़ती ही जा रही हैं। हमारी लिस्ट पर पहले नंबर पर आता है अजय गुर्जर। हरियाणा के पलवल गांव के तुमसरा का रहने वाला गैंगस्टर अजय गुर्जर किसी टाइम पर ताई कमांडो का अव्वल दर्जे का खिलाड़ी था, पर उस समय उसको आपसी विवाद में फंसाए जाने के बाद आज वह इतना बड़ा डॉन बन गया है कि उसके संबंध दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन से हैं। और बताया जाता है कि अजय गुर्जर उर्फ भाईजी डी कंपनी का शार्प शूटर है, जिस पर किसी समय 69 से ज़्यादा केस दर्ज थे और कई सालों तक पुलिस रिकॉर्ड में अजय गुर्जर की तस्वीर तक भी नहीं थी। अपने साथी अंकित गुर्जर की हत्या के बाद उसकी मौत का बदला लेने के लिए फिराक में डोलता अजय गुर्जर इसी साल जनवरी में बदरपुर से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और आज अजय गुर्जर तिहाड़ जेल में बंद है। दोस्तों, वैसे हमने अजय गुर्जर की पूरी सच्चाई पर एक और वीडियो बना रखी है कि कैसे वह एक बेहतरीन ताई कमांडो खिलाड़ी होने के बावजूद आज हरियाणा का डॉन नंबर 1 है और इसके पीछे क्या कारण रहे, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं या फिर गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल टाइप करके पीछे कटाक्ष टीवी लिख दे, जिससे कि वीडियो आपके सामने निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों, यह थी फिलहाल हरियाणा के टॉप 5 गैंगस्टर्स की लिस्ट। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली कहानी में, तब तक के लिए मिलते हैं और अपना प्यार बनाए रखें कटाक्ष टीवी पर। जय हिंद, जय भारत।